रहस्य टॉक शो आपके लिए आज लाया है पांच ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट्स नंबर 5, फायर फाइटर ड्रोन्स। आज के समय में ड्रोन्स का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी मदद से हम कैमरे द्वारा ऊंचाई से हर कोने में नजर रख सकते हैं। लेकिन शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि चीन में ड्रोन्स का इस्तेमाल अपार्टमेंट्स और बिल्डिंगों में लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनसे किसी भी जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है और हम सीधे उस जगह पर टारगेट कर पाते हैं जहां पर असल में भीषण आग लगी हुई है और जहां किसी फायर कर्मचारी के पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। खैर, पूरी दुनिया में जब तक ये ड्रोन्स आएंगे तब तक लगता है चीन वाले ड्रोन्स की मदद से लोगों को बचाने भी लगेंगे, वो भी उन्हें एयरलिफ्ट करके। फैक्ट नंबर 4, रिवर्स वाटरफॉल। वाटरफॉल का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अच्छी और खूबसूरत जगह का ख्याल आ जाता है, क्योंकि ये जो प्राकृतिक झरने होते हैं वहाँ हमें प्रकृति का असल सौंदर्य देखने को मिलता है। आप सभी जब भी किसी झरने के करीब गए होंगे तो तब आपने देखा होगा कि पहाड़ों से होता हुआ पानी बहुत ही नीचे जाकर जमीन में गिरता है, जो कि ग्रेविटी के नियमों के अधीन होता है। लेकिन शायद ही आपको मालूम होगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसे प्राकृतिक झरने भी मौजूद हैं जहाँ ग्रेविटी का कोई नियम काम नहीं करता और इनका पानी नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर जाता है। जी हाँ, इस तरह के झरने भारत, आइसलैंड और स्कॉटलैंड जैसे देशों में देखने को मिलते हैं, जिन्हें रिवर्स वाटरफॉल कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन झरनों का पानी ऊपर की ओर क्यों जाता है। वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन झरनों की ऊंचाई सामान्य झरनों के मुकाबले ज्यादा है और इन झरनों के पास हवा भी बहुत ही ज्यादा तेज चलती है, जो कि नीचे गिरते हुए पानी को ऊपर की ओर उड़ा देती है और हमें एक गजब की प्राकृतिक घटना देखने को मिल जाती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अंडे खाना हम सभी को पसंद होता है और जब भी हम अंडे को तोड़कर उसके अंदर से लिक्विड योक को निकालते हैं तो बाहर आते ही उसका आकार पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इसी अंडे को आप समुद्र या तालाब के अंदर तोड़ोगे तब ये अंडा अपना आकार नहीं बदलेगा, बल्कि जैसा ये लिक्विड फॉर्म में शेल के अंदर था वैसा ही बाहर आने के बाद भी रहेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पानी का प्रेशर इसे इसके शेप को नहीं बदलने देगा, जो कि जमीन पर मौजूद हवा के प्रेशर से कई गुना ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2, रोटेटिंग रेंडियर। हमारी धरती तो हजारों सालों से अपने एक्सिस पर घूम रही है, लेकिन इस वीडियो में दिख रहे रेंडियर आखिर क्यों घूम रहे हैं? अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, ये ऐसा खुद को शिकारियों से बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से एक ही जगह पर बार बार घूमने से शिकारी इनका चुनाव नहीं कर पाएंगे और ये सुरक्षित बच जाएंगे। इतना ही नहीं, इनके इस रोटेशन में फीमेल्स और बच्चे बीच में रहते हैं। हम इंसानों की तरह रेंडीर्स में भी बच्चों और फीमेल्स को पहले सुरक्षा दी जाती है। फैक्ट नंबर 1, लॉन बबल्स। आप सभी बगीचों में मौजूद घास पर तो जरूर चले होंगे, जो कि हमें बहुत ही अच्छा एहसास देती है। लेकिन क्या आप सभी ने लॉन बबल्स के बारे में सुना है, जो कि अक्सर बारिश के बाद बगीचों में देखने को मिल जाती हैं? अगर नहीं तो जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें दिख रही ये बाउंसी घास लॉन बबल्स का ही नतीजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला जमीन कैसे बबली हो सकती है। दरअसल जब बारिश होती है तब घास से होती हुई पानी की बूंदें नीचे मिट्टी के पार्टिकल्स तक नहीं पहुंच पाती, जो कि वहां एक पानी की बबल्स को क्रिएट कर देती है और जमीन को या कहिए कि घास को लचीला बना देती है। खैर, अगर आपको अपने आसपास इस तरह के लॉन बबल्स दिखें तो इन्हें किसी और औजार की मदद से फोड़ दें, क्योंकि ये आपके बगीचे की घास को भी खराब कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।